बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा, आप खुद बताएं क्या यह फैसला मेरिट के मुताबिक है, क्या यह फैसला अवाम की उमंगों के मुताबिक है। हमें तो इस फैसले ने बड़े मायूस किया। हम पाकिस्तान की शहरी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इख्तियार देती है कि हम अपना मौकिफ अपने सिंबल के तहत जो है ना कौम के सामने रखे, ताकि कौम फैसला कर। फैसले तो अवाम ने करने हैं, लेकिन आज जो फैसला हुआ है इसने पूरी पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है। मैं उम्मीद रखता हूं अपने अवाम से, ये एक लंबी जद्दोजहद है। ये इलेक्शन जो है ना एक टूर की हैसियत से इसमें एक टूल का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो पाकिस्तान कदम का पाकिस्तान है, जिसमें कानून की हुक्मरानी होगी, जिसमें सबके हुकूक बराबर होंगे। उसके लिए ये इलेक्शन में हम किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जितने कारकुन हैं, हमारे जितने वर्कर हैं, हमारे जितने लीडर हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। जिस भी निशान से हो वो निशान इमरान खान का निशान होगा। मैं आवाम से पूछता हूं, इख्तियार आपका है, फैसला आपने करना है, लीडरशिप आपने चुनना है, आप निकले और आपने दिखाना है कि ये गर्म और ठंडी ऑफिस में ये फैसले नहीं होंगे, ये फैसले आवाम ने करने हैं। अगर आप अपने हक के लिए आज कड़ी नहीं हुई तो शायद फिर मौका नहीं आएगा। आपने कड़ा होना है इमरान खान के साथ, नए पाकिस्तान के लिए, कायद अज़म के पाकिस्तान के लिए और उस पाकिस्तान के लिए जहां सबके हुकूक बराबर हो, जहां आईन और कानून की अमलदारी हो, जहां इलाज, तालीम, रोजगार सबके बुनियादी हुकूक हो। इंशाल्लाह मैं अपना कैंपेन शुरू करूंगा। तमाम जो भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनसे मेरी ख्वाहिश है कि बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, आपने डट के अपना कैंपेन चलाना है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद है।